हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। आज शाम से ही मेरे सीने में बाई तरफ हल्का सा दर्द था, पर इतने दर्द को तो औरतें चाय में घोलकर ही पी जाती हैं। मैंने भी वही किया, सोचा कोई छोटा मोटा दर्द होगा, और रात के खाने की तैयारी करने लग गई। किचन निपटाकर सोने आई तो पति को बताया। पति ने दर्द की दवा देकर आराम करने को कहा और साथ ही ज्यादा काम करने की बात बोलकर मीठी सी डांट भी लगाई। देर रात को अचानक फिर दर्द बढ़ गया। सांस लेने में भी मुझे बहुत तकलीफ से होने लगी। कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं? ये विचार मन में आते ही मैं पसीने से भर उठी। हे भगवान, पालक मेथी तो साफ ही नहीं किए, मटर भी छीलने को बाकी है, ऊपर से फ्रिज में मलाई का भगोना पूरा भरा रखा हुआ है। आज मक्खन निकाल लेना चाहिए था। अगर मुझे कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि कितना गंदा फ्रिज रखा है इसने, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और कुछ तो प्रेस को भी नहीं डाले, चावल भी खत्म होने को आया है। आज बाजार जाकर राशन भरवा लेना चाहिए था। मेरे जाने के बाद जो लोग 12 दिनों तक यहां रहेंगे उनके पास तो मेरे मिसमैनेजमेंट के कितने सारे किस्से हो जाएंगे। अब मैं सीने का दर्द भूलकर काल्पनिक अपमान के दर्द को महसूस करने लगी थी। नहीं भगवान, प्लीज आज मत मारना। आज ना तो मैं तैयार हूं और ना ही मेरा घर। यही प्रार्थना करते करते मैं गहरी नींद में सो गई और फिर वही सुबह से वही गृह कार्य में लग गई। दिस इज अ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेडीज। चैन से मर भी नहीं सकती। सारी सखियों और सहेलियों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित ये कहानी आज की उनके लिए है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thanks for listening.